सूरत शहर के लिम्बायत मिट्टी खाड़ी विस्तार में आबिदा कफन कमेटी द्वारा एक प्रोग्राम किया गया, जिसका मकसद था कि अब तक आबिदा कफन कमेटी द्वारा गरीब जरूरतमंद लोगों की जरूरत पूरी की जा रही थी, लेकिन अब मिट्टी खाड़ी विस्तार में पिछले 6 सालों से चल रही संस्था GKR कफन कमेटी से जुड़कर काम करेगी। साथ में सहयोगी संस्था नूरानी कमेटी एवं अल मदद कमेटी भी सहयोगी होंगे। मैं आपको बता दूं कि आबिदा कफन कमेटी द्वारा पिछले 9 सालों से एक बहुत बड़ी नेक कामगिरी की जा रही है, जो सूरत शहर में जनता के जुबान पर है। जैसा कि पूरे शहर में हर घर पर जाकर तमाम जूनी पुरानी कुरान हदीस इस्लामी कैलेंडर एवं जायनमाज शादी के कार्ड इकट्ठा करके और इन सारी चीज़ों को बेअदबी से बचाकर दफन किया जाता है। संस्था के प्रमुख सैयद जहांगीर एवं सलाहकार आरिफ भाई खलीफा दोनों अपने कंधों से कंधा मिलाकर हर पल गरीब जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने में आगे रहते हैं। आरिफ भाई खलीफा ने अपनी मरहूमा माँ के इसाले सवाब के लिए इस नेक मुहिम की शुरुआत की, जो आज 9 सालों से खूब चर्चे में है। विद्या के साथ में हसनैन से QNTV न्यूज सूरत। जी, आपका नाम? मोहम्मद आरिफ गफूर खलीफा। आज किस तरह का प्रोग्राम किया? प्रोग्राम में ये है कि आबिदा फाउंडेशन मेरे वालिदा के नाम पे चल रही है 2012 से। अल्लाह का एहसान है कि कमेटी बहुत माशाल्लाह अच्छी चल रही है और खिदमत अच्छी कर रही है पूरी लिम्बायत सूरत में। हर जगह हमारी ट्रस्ट के अंदर रजा चाचा उनके लड़के जुड़े हैं और हर जगह वो बैनर लगाया गुसल का और हर जगह वो कपड़ा बैनर। उन्होंने आके मुझे ये बोला था कि हम कपड़ा इंशाल्लाह अच्छा बापरेंगे। उन्होंने कपड़ा अच्छा बापरा भी है और हर जगह उन्होंने खिदमत दी है। लेकिन अभी हमारा दीन इस्लामी किताब का 2021 से काम शुरू हुआ है, तो उनमें उनको ट्रस्टी बनाया था और कफन कमेटी भी ट्रस्टी बनाया था, पर वो उन्होंने आके भी ये बताया कि मुझे हमारे पास वक्त नहीं है, मैयत ज़्यादा हो रही है, तो हम अपने ये फाउंडेशन में दीनी किताब के लिए हम टाइम नहीं दे पा रहे, तो हम राजीनामा खुशी से देना चाहते हैं। तो हमने उनका खुशी से हमारे सैयद साहब ने वो कबूल किया और उसके बाद हमारे को कमेटी बंद नहीं करनी है, 2012 से चल रही है। तो मेरी वालिदा के नाम पे इसाले सवाब के लिए, हर मुसलमान के इसाले सवाब के लिए, तो हमने सोचा कि हमारे मेंबर में हमारे रहीम भाई है GKR वाले, उनसे मशवरा हुआ, इमाम साहब से मशवरा हुआ कि भाई हमको कमेटी आपसे के साथ हमको जुड़ना है। तो उन्होंने बोला कि आरिफ भाई बिल्कुल, हम अपने इंशाल्लाह साथ में मिलके लिम्बायत में बहुत सी कमेटी है, जैसे अल मदद है, नूरानी है, बहुत अच्छा बेहतर काम कर रही है, हमारे फरीद भाई है, हमारे हुसैन भाई है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, माशाल्लाह लिल्ला किट भी बांट रहे हैं, और हमारे रहीम भाई भी। उनसे कामगिरी की जाएगी किस तरह? कामगिरी में ये रहेगा, हम दोनों माशाल्लाह ये हमारी कमेटी दोनों जुड़ चुकी है, हमारा ये मशवरा हुआ कि जो गरीब इंसान रहते हैं, जिसको पैसा नहीं है, जिसका कैंसिल हो जाता है, जो रिक्शा चलाता है, जो गरीब मुसलमान है, उसको अब ये पहुँचे, उसको फ्री में लिल्ला पहुँचे, वो भी बन में पहुँचे, जाहिर करके नहीं पहुँचे, वो आके सिर्फ बता दे रहीम भाई को। कोई चार्ज रखा गया नहीं, उसमें लिल्ला ही रहेगा। अगर इसमें पैसा, इसमें किट का पैसा तो रखा है, मुसलमान रहता है वो तो 100-200 ज़्यादा भी इसाले सवाब के लिए दे देते हैं, लेकिन गरीब इंसान के लिए खास हमने ये कमेटी हम दो साहब में जुड़े हैं कि हम उसको अगर ये साल में अगर अभी 10 या 20 बांट रहे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम 40 बांटेंगे। आपने इतनी अच्छी कामगिरी की शुरुआत की है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से तमाम जनता से इसी तरह की कोई आपकी अपील? मैं यही अपील करूंगा, जैसे लिम्बायत में माशाल्लाह जो कमेटी चल रही है सब ऐसी कमेटी, और ये हमारे GKR माशाल्लाह जैसी कमेटी, ये हर जगह चालू हो जाना चाहिए, तो अपने हर मुसलमान जो गरीब है उनको ये बेनिफिट होना चाहिए, मिलना चाहिए, वो भी बन में मिलना चाहिए, ना उसको चंदा करना चाहिए कि भाई चंदा करना पड़ा मैयत के लिए, गुसल वालों के लिए, भाई बर्गे के लिए, कमेटी किट के लिए, वो बन में इंशाल्लाह काम हो जाए, क्योंकि ये कमाने का जरिया नहीं है, ये खिदमत खल का जरिया है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, इसमें माशाल्लाह अल्लाह की बहुत मदद है, और आप देखोगे तो ये अभी हम। आपका नाम? जी, मेरा नाम अब्दुल रहीम। किस संस्था से आप? जी, मैं गोसो ख्वाजा रजा ग्रुप का प्रमुख हूँ, और ये हमारे आरिफ भाई आबिदा फाउंडेशन के पर वो प्रमुख है। किस तरह का प्रोग्राम किया गया? प्रोग्राम में ये है कि हम दोनों संस्था मिलकर खिदमत काम अंजाम देना चाहती है। जी, इनका काम है जो जईब कुरान शरीफ कायदे वगैरह दफन विधि का इनका काम है, तो अभी इनका अंतिम विधि का काम नहीं होता इनसे, तो ये बोल रहे भाई कुछ काम आप हम दोनों संभाल लें, दोनों मिलके, और दोनों साथ में रहेंगे तो कुछ काम अंजाम दे भी पाएंगे, और हम सब मिलके ये गुजारिश करते हैं कि भाई जितना हो सके कौम की खिदमत का अंजाम दे। जी, और कुछ?